गुड डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. स्टूडेंट टुडे आई शैल टीच यू क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट लेसन नंबर 6. नेम ऑफ द लेसन इज द घाट ऑफ द ओनली वर्ड. नेम ऑफ द राइटर इज अमिताभ घोष एंड इट्स ए पार्ट थर्ड ऑफ दिस लेसन. स्टूडेंट पार्ट थर्ड स्टार्ट फ्रॉम हेयर. नो मैटर हाउ मैनी पीपल देयर वर शाहिद वॉज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड एज टू लॉस ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग मील. नो मैटर हाउ मैनी पीपल देयर वर. और कहते हैं शाहिद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके घर में कितने लोग हैं, परंतु क्या था स्टूडेंट, शाहिद वॉज नो नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड एज टू लॉस ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग मील. वो कभी भी नहीं ये भूलता था कि जो शाम का खाना है उसके लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, कि वो खाना जो है अच्छे से अच्छा होना चाहिए. उसका ध्यान कभी भी उससे जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, हटता नहीं था, क्योंकि उसकी सोच में ये होता था कि जो इवनिंग मील है, जो रात का खाना है, वो अच्छा होना चाहिए. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ टू शाउट डायरेक्शन टू हूएवर वाज इन द किचन. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ. और टाइम टू टाइम क्या करता था स्टूडेंट, जो शायद था वो इंटरप्ट करता था खुद, शाउट डायरेक्शंस टू हूएवर वाज इन द किचन. और जो किचन में होता था उसको जो है वो शाउट करके जो है डायरेक्शंस बताता रहता था, खाने के लिए बताता था, खाने के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस देता रहता था. येस नाउ एड द दही नाउ. फिर वो शाउट करके बोलता, हाँ अब उसमें जो है दही ऐड कर लो. जो खाना किचन में बना रहा होता था कुक, उसको जो है वो इंस्ट्रक्शन देता रहता था वहीं से बैठा हुआ, रूम में बैठा हुआ, कि इसमें ये डालो वो डालो. तो वो जो किचन में ये कहता था, येस नाउ ऐड दही नाउ, अब दही डाल दो उसमें. इवन वेन हिज आई साइड वॉज फेलिंग, जबकि उसकी आई साइड जो है बहुत कमज़ोर हो गई थी, ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन. और जब उसकी आँखें जो है आई साइड कमज़ोर हो गई थी, फिर भी वो जो है स्मेल से बता सकता था चीज़ों के बारे में, एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच्ड. और ये भी बता देता था कि रोगन जोश जो है उसके वो किस स्टेज में है, रोगन जोश की जो है सुगंध से जो बता देता था कि वो कितना पक गया है या नहीं पक गया. एंड वेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड. और जबकि चीज़ों को तो ऐसा होना चाहिए था, जैसे एग्जैक्ट, ऐसे एग्जैक्ट होना चाहिए था जैसे होना चाहिए, ही वुड स्निफ द एयर. और वो जो एयर को जो है जो स्निफ कर लेता था, जो हवा में खुशबू होती थी उसको जान लेता था. एंड क्राई आउट लाउड. और वो फिर जल्दी से जोर से चिल्लाता था, आ खाना का क्या महक है. और फिर ये कहता था, खाना कितना अच्छा बना है, खाने की महक कितनी अच्छी है, खाने की खुशबू कितनी अच्छी है, ये बोलता था. हवा में ही उसको जो है खुशबू को पहचान लेता था. शाहिद वाज लेजेंडरी फॉर हिज प्रोग्रेस इन द किचन. शाहिद जो था वो लेजेंडरी था, फेमस था अपने फॉर हिज प्रोग्रेस इन द किचन. वो किचन में जो उसको स्किल था, जो उसका इतना निपुण था उस काम में, उसको बड़े अच्छे से आता था किचन की कुकिंग का, तो उसमें वो बहुत फेमस था. फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ए डिनर पार्टी. और बहुत जल्दी से जो है वो स्पेंडिंग डेज अपने दिन जो है गुजारता था, प्लानिंग करता था, प्रिपरेशन करता था डिनर पार्टी का. इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी गिवन वाइल ही वॉज इन एरिजोना. इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी, कहते एक बार एक पार्टी हुई थी जब वो एरिजोना में था, तब उसने पार्टी दी थी. दैट ही मेट जेम्स मैरिल, वहाँ पे वो जेम्स मैरिल को मिला, द पोइट हु वॉज रेडिकली अल्टर द डायरेक्शन ऑफ हिज पोएट्री. कहते जब वो एरिजोना में था तो उसने एक पार्टी दी और वहाँ पे वो जेम्स मैरिल को मिला. और जेम्स मैरिल क्या था, द पोएट था हु वॉज रेडिकली, जो सुधारवादी था, अल्टर द डायरेक्शन ऑफ हिज पोएट्री. और उसने अपनी पोइट्री का जो डायरेक्शन को चेंज किया था. इट वॉज आफ्टर दिस एनकाउंटर दैट ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न वर्स फॉर्म. एंड इट वॉज ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट. इट वॉज आफ्टर दिस, उसके बाद जो है क्या हुआ, इट वॉज आफ्टर दिस एनकाउंटर, जब वो मिले इसके बाद में क्या हुआ, ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट, उसने जो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया विद स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न वर्स फॉर्म. जो है उस राइटर ने जो है लिखना शुरू कर दिया मेट्रिकल पैटर्न में, वर्स फॉर्म में, पद्यात्मक जो है फॉर्म्स में लिखना शुरू कर दिया. नो वन हैड ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद्स पोएट्री देन जेम्स मैरिल. नो वन हैड ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद, किसी को भी शाहिद की पोएट्री का जो है इतना इन्फ्लुएंस नहीं था जितना जेम्स मैरिल का था. नो वन हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद्स पोएट्री, शाहिद की पोएट्री पर इतना इन्फ्लुएंस नहीं था जितना कि जेम्स मैरिल पर था असल में.
Indeed, in the poem in which he most explicitly prefigured his own death. Indeed, in the poem in which he most explicitly prefigured. कहते एक्चुअली में क्या है कि वो पोएम जिसमें जो है उसने बड़े स्पष्टता से एक्सप्लिसिटली होता है कि बहुत क्लियरली प्रीफिगर्ड होता है कि अनुमान लगा लेना अपनी डेथ के बारे में. आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड. और उसने बोला मुझे ये सपना आता है कि मैं वर्ल्ड की घाट पे हूँ. ही अवॉर्डेड द एनॉय टू मेरिल. शाहिद होश दिस इज मी जेम्स द लव्ड वन ऑलवेज लिव. ही अवॉर्डेड कहता उसने जो है अवॉर्ड किया था. ही अवॉर्डेड द एनवॉय टू मेरिल. उसने मेरिल को एनवॉय किया था. शाहिद होश दिस इज जेम्स द लव्ड वन ऑलवेज लिव्स. ये जो है उसने जो है मेरिल को जो है अवार्ड दिया था. ये जो उसका वर्क था. शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड एग्जैक्टिट्यूड इन द कुकिंग. शाहिद की जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी कि ऑथेंटिसिटी थी, एग्जैक्टिट्यूड था कुकिंग में. कुकिंग में वो चाहता था कि एग्जैक्टिट्यूड होना चाहिए, कि वो सही होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, कि अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए. एंड वो टॉलरेट नो डिविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड रेसिपी. और वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करता था कि कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाए या रेसिपी जो है वो इससे जो है बर्दाश्त नहीं करता था. कहते जो शाहिद था वो जो है कुकिंग में बहुत ही एग्जैक्टिट्यूड था और ऑथेंटिसिटी था. बिल्कुल उसको जो है कुकिंग में हर चीज़ सही चाहिए थी. एंड वो टॉलरेट नो डिविएशन. और वो उसमें कोई भी डिविएशन को बर्दाश्त नहीं करता था फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड एंड रेसिपी. कि कोई ट्रेडिशनल मेथड से जो यह रेसिपी कोई भी तैयार की जाती थी उसमें भी किसी भी बात को जो है वो बर्दाश्त नहीं करता था कि इसमें कोई भी डिविएशन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी कमी नहीं होना चाहिए. खाने के अंदर हर चीज़ जो है खाने के अंदर परफेक्ट होनी चाहिए. वो बर्दाश्त नहीं करता था कि इसमें कोई कमी हो. फॉर दोज हु टॉक शॉर्टकट्स. और कुछ ऐसे थे जो शॉर्टकट करते थे. ही हैड ओनली पिटी. उसके लिए तो उसको सिर्फ दया आती थी. कहते कोई खाना बनाता था तो वो शॉर्टकट से बना देता था तो इसके लिए उसको बहुत दया आती थी. ही हैड ए स्पेशल पैशन फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन. और शाहिद को जो है स्पेशल पैशन था, उसको बहुत अच्छा लगता था फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन कि अपने एरिए का जो था उसके अपने क्षेत्र का जो भोजन था उससे उसको बहुत ज़्यादा लगाव था. क्योंकि वो कश्मीर को जो है बिलोंग करता था तो वहाँ का जो कुकिंग जो फूड था वो उसे अच्छा लगता था. वन वेरियंट ऑफ इट इन पर्टिकुलर. और उनमें से एक चीज़ क्या थी स्टूडेंट, जो अपने रीजन के फूड को जो बहुत प्यार करता था और उसमें से एक वेरिएंट क्या था स्टूडेंट, एक चीज़ क्या थी, कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल. उसको कश्मीरी फूड बहुत अच्छा लगता था जो पंडित स्टाइल में होता था. आई आस्क्ड हिम वंस दिस व्हाई दिस वाज सो इम्पोर्टेंट टू हिम. ही एक्सप्लेन दैट. कहते मैंने एक बार पूछा उससे कि राइटर कहता मैंने पूछा वंस व्हाई दिस वाज सो इम्पोर्टेंट टू हिम कि ये उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है जो ये कहता है कि कश्मीरी फूड जो है पंडित स्टाइल में अच्छा लगता है. तो राइटर का ने कहा मैंने एक बार उससे पूछा ये उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. एंड ही एक्सप्लेन दैट इट वाज बिकॉज ऑफ ए रिकरेंट ड्रीम. और उसने बोला कि ये इसलिए उसने एक्सप्लेन किया कि ऐसा इसलिए है, कश्मीरी फूड इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ ए रिकरेंट ड्रीम. परंतु क्योंकि उसको अपने भोजन के जो है बार बार सपने आते हैं, कश्मीरी फूड के जो है बार बार जो उसको सपने आते हैं इसलिए उसको जो है ये पसंद भी है. In which all the pandits had vanished from the valley of Kashmir and their food had become extinct. और उसने बोला मुझे जो बार बार सपना आता है. In which all the pandits had vanished. कहते वहाँ से सारे पंडित जो है उस वैली से, जो कश्मीर की वैली से, वहाँ से जो ख़त्म हो चुके हैं, जा चुके हैं. And their food had become extinct. और जो उस किस्म का जो भोजन है, जो कश्मीरी फूड है, वो भी जो है ख़त्म होने की कगार पे है. This was a nightmare that haunted him. And he returned to it again and again in his conversation and his poetry. तो कहते हैं ये उसके लिए एक nightmare है, एक सपना है. And that haunted him. और उसको जो उस चीज़ से डर भी लगता है. And he returned to it again and again. और ये सपना उसको बार बार आता है. और उसको जो है उसने इस in his conversation, वो अपने conversation बातचीत में भी इसके बारे में बात करता है. अपनी poetry के में भी जो है यही बात करता है. Poetry में भी जो है शायद यही लिखता है. ये उसकी पोइट्री है. एट ए सर्टन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू. यू नीडेड मी. यू नीडेड टू परफेक्ट मी. इन योर एब्सेंस यू पॉलिश मी इन टू द एनिमी. योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमरी.
ये उसकी जो शाहिद ने पोएम लिखी है वो उसके बारे में है। एट ए सर्टन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, कि बहुत कुछ पॉइंट पे जो है मैंने मेरे से जो है तुम्हारा ट्रैक खो चुका है। यू नीडेड मी, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। यू नीडेड टू परफेक्ट मी, तुम्हें ज़रूरत है टू परफेक्ट मी, मुझे परफेक्ट करने की। इन योर एब्सेंस यू पॉलिश मी इन टू द एनिमी, और तुम्हारी एब्सेंस में जो मैं एक जो है पॉलिश मी इन टू एनिमी, मैं एक एनिमी बन चुका हूँ, दुश्मन बन चुका हूँ। योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमरी, और तुम्हारा इतिहास जो है वो मेरी यादों के रास्ते में रहता है। आई एम एवरी थिंग यू लॉस्ट, यू परफेक्ट एनिमी, यू आर परफेक्ट एनिमी। आई एम एवरी थिंग यू लॉस्ट, मैं हर चीज़ को जो है, आई एम एवरी थिंग यू लॉस्ट, मैं हर चीज़ों जो तुम खो चुके हो। यू आर परफेक्ट एनिमी, तुम्हारा जो है परफेक्ट दुश्मन। योर मेमरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमरी, और तुम्हारी यादें जो है हमेशा मेरी यादों के रास्ते में आती हैं। देर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, और कुछ भी नहीं है भूलने के लिए। यू वुड नॉट फॉरगिव मी, तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे। आई हिड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ, मैं अपने दुख को जो है अपने से भी छुपाता हूँ। आई रिवील्ड माई पेन ओनली टू माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपना दुख सिर्फ अपने आप को ही बताता हूँ। देर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, कुछ भी नहीं है भूलने के लिए। यू वुड नॉट फॉरगिव मी, तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे। इट ओनली सम हाउ यू कुड हैव बीन माइन, कहते ये सिर्फ ये है, इट ओनली सम हाउ, किसी तरीके से जो तुम मेरे हो सकते हो। बट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड, जो कभी भी जो है संसार में पॉसिबल नहीं है। ये शायद की जो है एक स्टूडेंट पोइट्री है, पोएम है जो उसने लिखी है। वंस इन कन्वर्सेशन ही टोल्ड मी ही ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड, और एक बार जो है उसमें शाहिद ने जो अपनी कन्वर्सेशन में अपनी बातचीत में ये भी बताया था दैट ही ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड, कि उसको बंगाली फूड भी अच्छा लगता। पहले तो शाहिद ने बताया था कि उसको कश्मीरी फूड अच्छा लगता है, फिर उसने बताया कि उसको बंगाली फूड भी अच्छा लगता है। आई प्रोटेस्टेड, मैंने जो है उसका विद्रोह किया। बट शाहिद यू हैव नेवर इवन बीन टू कलकत्ता, तो मैंने बोला तुम तो कभी कलकत्ता गए ही नहीं। नो ही सेड, उसने कहा नहीं, बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट फूड। तो उसने बोला नहीं, बट वी हैड फ्रेंड्स, परंतु हमारे फ्रेंड्स हैं हु यूज़ टू ब्रिंग अस दैट फूड, जो हमारे लिए ऐसा भोजन लाते हैं। When you ate it, you could see that there were so many things. जब आप इसे को खाते हो तो आप देखते हो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं that you did not know about, और जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो शाहिद ने बोला कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो मेरे साथ रहा करते थे, वो ये लेके आते थे भोजन अपना, बंगाली फ्रेंड थे। और शाहिद ने बताया कि जब आप इसको खाते हो तो आप देखते हो कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता। एवरीवेयर इन द कंट्री, और जो कंट्री में है हर जगह पे है। व्हाट आई से इज़, जो मैंने बोला व्हाई कैन नॉट यू बी हैप्पी विद द किजन्स एंड द क्लॉथ्स एंड द म्यूज़िक एंड ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स। तो राइटर ने बोला, मैंने उससे पूछा कि व्हाई कैन नॉट यू बी हैप्पी, क्यों तुम खुश नहीं रह सकते। किजन्स होता है फूड, भोजन। किजन्स एंड द क्लॉथ्स, फूड से, क्लॉथ से, म्यूज़िक से एंड ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स, तुम इनसे सबसे खुश क्यों नहीं रह सकते। ही पोज्ड एंड एडिट सॉफ्टली, वो रुका और जो है उसने बड़ी सॉफ्टली जो है पोलाइटली बोला, एट लीस्ट हेयर वी हैव बीन एबल टू मेक स्पेस। एट लीस्ट क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जगह है, वेयर वी कैन ऑल कम टुगेदर, हमारे पास इतनी जगह है यहाँ पे कि हम सब इकट्ठे रह सकते हैं। बिकॉज ऑफ द गुड थिंग्स, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं इसलिए हम सब यहाँ मिलके रह सकते हैं। Of the many good things in which he took pleasure, none was more dear to him than the music of Begum Akhtar. कहता of many good things in which he took pleasure, कहते बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें जो है वो खुश रहता था शायद। None was more dear, कहते कुछ भी ज़्यादा उसको अच्छा नहीं लगता था जितना कि उसको म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर का म्यूज़िक बहुत अच्छा पसंद था उसे, शाहिद को। He had met the great ghazal singer when he was in his teen, वह जब वो छोटी एज में था, टीन एज में ही था, छोटी उम्र में था, तो 17-18 साल की एज में था, तो एक गज़ल सिंगर को वो मिला था थ्रू ए फ्रेंड, एक फ्रेंड ने उसको जो है गज़ल सिंगर से मिलवाया था। एंड शी हैड बिकम एन अबाइडिंग प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ, और वो जो है उसके शी हैड बिकम एन अबाइडिंग प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस हिज लाइफ, और उसने जो है वो उसकी जो है एक अबाइडिंग प्रेजेंस बन गई, उसकी प्रेजेंस को बहुत अच्छा किया।
और उसकी प्रेजेंस अच्छी बन गई, वो खुश हुआ उसमें और उसकी ज़िंदगी में जो है बहुत उसका जो है प्रभाव पड़ा। शाहिद हैड ए फंड ऑफ स्टोरीज अबाउट हर शार्पनेस इन ए इन रिपार्टी। कहते शाहिद के पास जो है बहुत सारी स्टोरीज हैं, हर शार्पनेस उसकी शार्पनेस के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं इन रिपार्टी, जिसके बारे में जो वो हाजिर जवाब होता है, जिसका वो जो है जवाब देता है। शाहिद वाज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टी। कहते शाहिद खुद भी जो था, कहते प्रैक्टिशनर था, कलाकार था रिपार्टी का, हाजिर जवाब देने का। ऑन वन फेमस ओकेशन, एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही मशहूर जो ओकेशन था एट बार्सिलोना एयरपोर्ट, बार्सिलोना एयरपोर्ट पे एक मौका था, ही वॉज स्टॉप्ड बाई ए सिक्योरिटी गार्ड, और उसको जो है सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। जस्ट ही वॉज अबाउट टू बोर्ड ए प्लेन। कहते वो जो अभी जहाज़ में जो है जाने ही वाला था, जहाज़ में चढ़ने वाला था तो बार्सिलोना एयरपोर्ट पे, तो उसको जो है शायद को सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। द गार्ड ए वुमेन आस्क्ड, और गार्ड जो थी वो वुमेन थी, लेडी थी, पूछा व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। आई एम ए पोइट, शाहिद आंसर, शाहिद ने बोला मैं पोइट हूँ, कविता लिखते हूँ। व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन, और आप स्पेन में क्या करते हैं। राइटिंग पोइट्री, मैं वहाँ पोइट्री लिखता हूँ। नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या क्वेश्चन था। शाहिद वर्ल्ड पोइट्री इन टू हिज आंसर, और शाहिद ने क्या किया, वर्ल्ड पोइट्री इन टू हिज आंसर, उसने उसके आंसर में भी पोइट्री में ही बात की। नो मैटर द वर्ड द क्वेश्चन, उसने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड थी उसने क्या क्वेश्चन पूछा। शायद वर्ड पोइट्री इन टू हिज आंसर, शायद ने जो आंसर दिया उसमें पोइट्री थी। फाइनली द एग्जैसपरेटेड वुमेन आस्क्ड, तो जब वो सिक्योरिटी गार्ड बात पूछ रही थी तो शायद जो आंसर दे रहा था वो पोइट्री में ही दे रहा था, तो आखिर में क्या हुआ, एग्जैसपरेटेड वुमेन, तो वो जो वुमेन जो है इरीटेट होने लगी, उसको गुस्सा आया और पूछा आर यू कैरिंग एनी थिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर, क्या कुछ आप ऐसा भी लेके जा रहे हैं कि जो खतरनाक है दूसरे यात्रियों के लिए। एट दिस शाहिद क्लैप्ड ए हैंड टू हिज चेस्ट, और फिर एट दिस, इस पे शाहिद ने क्या किया, क्लैप्ड ए हैंड टू हिज चेस्ट एंड क्राइड, और उसने जो अपने चेस्ट के ऊपर जो है जोर से हाथ मार के क्लैप किया एंड क्राइड, चिल्लाया ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा दिल है। दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट वर्ल्ड मोमेंट्स, ये उसका जो था एक वर्ल्ड मोमेंट था, कहते जो एक जंगलीपन था। एंड इट वॉज ओकेशन टू द पोएम, एंड इट वॉज टू ओकेशन द पोएम बार्सिलोना एयरपोर्ट, और अब ये एक मौका था कि बार्सिलोना एयरपोर्ट पर जो है पोएम क्या, ही ट्रेजर दीज मोमेंट, उसने सारे ये मोमेंट्स को जो है अपना ट्रेजर, अपना खजाना जो है चुप बना रखा था, उसका खजाना था। ही ट्रेजर्ड दीज मोमेंट्स, उसने इन सारे मोमेंट्स का जो एक उसको जो संजो लिया था, वैसे को इकट्ठा कर लिया था एक खजाने के लिए। आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चन, कहते शाहिद ने बोला मेरी इच्छा होती है कि मैं लोगों को एक मौका दूं कि वो आंसर क्वेश्चन मेरे साथ जो है क्वेश्चन आंसर करें। ही टोल्ड मी वंस, और शाहिद ने मुझे एक बार बताया, ऑन 7 मई आई हैड द गुड फॉर्चून टू बी विद हिम, और 7 मई की बात है कि हमें एक अच्छा जो है गुड फॉर्चून, हमें एक मौका मिला किस्मत से कि टू बी विद हिम, मैं उसके साथ था। व्हेन वन सच अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, कि एक वन सच अपॉर्चुनिटी, कि एक ऐसा जो मौका था जिसने खुद को जो है प्रेजेंट किया था। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट 3rd ऑफ दिस चैप्टर, रेस्ट ऑफ द थिंग आई शेल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो, आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। स्टूडेंट यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस लेसन। And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.